बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेलो व्यूअर्स, होप यू गाइस आर वेल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एप्पल स्टोर आईडी बनाने का तरीका बताऊंगा, और जिस तरीके से मैं आप लोगों को बताऊंगा, गाइड करूंगा, आप लोगों ने सेम वही तरीका यूज़ करना है। अगर आप लोग सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद यहाँ से एप्पल स्टोर आईडी क्रिएट करेंगे तो आप लोगों के लिए डिफ़िकल्टीज हैं और आपको परचेज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो जैसे मैं आप लोगों को बताऊंगा, सेम टू सेम अगर आप वैसे काम करते रहिए, वैसे ही बनाते हैं, तो आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल इजीली हो जाएगा, आप लोग इसे इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो चले बिना टाइम के वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यूट्यूब के ऊपर जाकर चैनल को सर्च करें, उस्मान लियाकत वाईटी को सर्च करें, और सर्च करने के बाद आपने इसे सब्सक्राइब लाजमी कर देना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो चले तो मैं आईफोन अपना ओपन करें आप लोग भी, और ओपन करने के बाद आप लोगों ने आ जाना है ऐप स्टोर के अंदर। जैसे आप लोग ऐप स्टोर के अंदर आ जाएंगे, आपने आइकन के ऊपर क्लिक करना और क्रिएट न्यू एप्पल आईडी के ऊपर आपने कर देना है क्लिक। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप लोगों के पास जो नए स्टेप आएंगे वो मैं आपसे शेयर करता हूँ, ठीक है। तो आपके पास ये स्टेप आ जाएंगे। सबसे पहले स्टेप है कि आपने ईमेल देनी है, ईमेल वो देनी है जो कि आपकी पर्सनल ईमेल होगी, या फिर वो ईमेल देनी है जो आप बाद में भूलें ना, ठीक है। वो ईमेल दे दे, मैं ईमेल दे देता हूँ। अच्छा, ईमेल देने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर देना है पासवर्ड, सेकंड ऑप्शन पे। उस पासवर्ड देने के बाद आपने देना है वेरिफिकेशन पासवर्ड, यानी कि कंफर्म पासवर्ड। हाँ, पासवर्ड आप लोगों ने कुछ इस तरह से रखना है कि मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों ने जैसे कि कैपिटल एक लफ्ज़ होना चाहिए, आगे स्मॉल होने चाहिए, फिर आपको रोमन गिनती, यानी कि आपको गिनती न्यूमेरिक यूज़ करना पड़ेगी, फिर कोई साइन, यूनिक साइन यूज़ करना पड़ेगा, जैसे कि एट द रेट एंड ETC, कोमा वगैरह हो गया, या डबल पटेशन होगी, ETC चीज़ें आप यूज़ करेंगे। यूज़ करने के बाद आपने मज़ीद जौन सा ना आगे आपने जौन सा वर्ड्स लिखने हैं, नेम लिखने, कोई भी आप स्पेसिफिकेशन, यानी कि ख़ास एक पासवर्ड देना है जो कि आपकी एप्पल आईडी क्रिएट करने में आपकी मदद कर सके। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर पासवर्ड दे देता हूँ, ठीक है। पासवर्ड देने के बाद आप लोगों ने स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ से अपनी कंट्री सेलेक्ट करेंगे, कंट्री सेलेक्ट करने के बाद टर्म्स एंड कंडीशन को ऑन कर देंगे, ऑन करने के बाद आप लोगों ने यहाँ से कर देना है नेक्स्ट। जैसे आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास आ जाएगा फर्स्ट नेम। सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पर फर्स्ट नेम देना है, जैसे कि मेरा नाम उस्मान है और यहाँ पर मैं उस्मान लिख लेता हूँ। आपने लास्ट नेम देना है, लास्ट नेम जो भी आपका होगा वो देना है, डेट ऑफ बर्थ देनी है आप लोगों ने यहाँ पर। यहाँ पर पहले डेट देते हैं, उसके बाद मंथ देते हैं, उसके बाद ईयर देते हैं, ठीक है। जो भी आपकी डेट होगी वो आपने यहाँ पर सेलेक्ट करनी है, सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से कर देना है नेक्स्ट। जैसे आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास आ जाएगी न्यू, ये देखें, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन मिल रहा है सेकंड ऑप्शन के ऊपर आपने कर देना क्लिक। अगर आप पेड लेना चाहते हैं तो क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड के ऊपर क्लिक करें। यहाँ से आप लोग वीज़ा, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस, ETC जो पेमेंट गेटवे दिए गए हैं आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग विदाउट पेमेंट अपनी आईडी बनाना चाहते हैं तो नान के ऊपर क्लिक करें। नान के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आपने सारे अपने रिक्वायरमेंट, यानी कि स्ट्रीट स्ट्रीट स्ट्रीट, यानी कि तीन ऑप्शन आपको दिए गए हैं, पहले के ऊपर लाजमी है, दोनों के ऊपर ऑप्शनल जिसके ऊपर लिखा होता है वो उसकी ज़रूरत नहीं होती। सिटी आप लोगों ने प्रोवाइड करना है, पोस्टल कोड प्रोवाइड करना है, और ये रिक्वायरमेंट पहले फिल कर लें। तो मैंने ऑल ओके कर लिया है, यानी कि ऑल जो रिक्वायरमेंट्स थी वो मैंने यहाँ पर पुट कर दी हैं, ठीक है। पुट करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से कर देना डन, कीबोर्ड नीचे चला जाएगा, और यहाँ से कर देना आपने नेक्स्ट। जैसे आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और ये जो नेक्स्ट स्टेप होगा, यहाँ पर आप लोगों ने अपना वो फ़ोन नंबर देना है जो आपने पहले यूज़ ना किया हो एप्पल आईडी के अंदर। नंबर देंगे, फ़ोन नंबर देने के बाद ये देखें आपके पास मैसेज आ जाएगा, कोड कोड आ जाएगा। यहाँ पर मैं कोड पुट कर देता हूँ। कोड पुट करने के बाद आप लोगों ने वेरीफाई के ऊपर क्लिक करना, और यहाँ पर जो आपने ईमेल दी होगी उस ईमेल के ऊपर भी आपको कोड मिला होगा, और कोड वहाँ पर भी आपने पुट कर देना है। यहाँ पर ये कोड लगाने के बाद आपने यहाँ से कर देना है वेरीफाई। वेरीफाई के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये फ्यू सेकंड, फ्यू मिनट के अंदर आपका सेटअप करेगा, साइन इन करेगा इन क्लाउडिंग के अंदर,
ठीक है, तो यहाँ पर ईमेल भी आपको आ जाएगी कि वेलकम टू आई क्लाउड ETC, आपको वेलकम किया जा रहा है। तो ये आप लोगों की एप्पल आईडी बन चुकी है। ये था एक छोटा सा प्रोसेस, और ये प्रोसेस के ज़रिए आप लोग भी आईडी बनाए फ्री में बना सकते हैं। और इसके अंदर आप लोगों को जो बैकअप स्पेस दिया जाता है आई क्लाउड का, वो 5 GB होता है। जैसे 5 GB फिल हो जाता है तो आपको परचेज करना पड़ता है कुछ GBs। ठीक है, अगर आप लोगों को रिक्वायरमेंट है उनकी कि आप लोग परचेज करें, तो वो भी आप लोग परचेज कर सकते हैं। ये फ्री का तरीका था, आप लोगों के साथ शेयर किया। आई होप कि आप लोगों को ये आइडिया और ये ट्रिक यानी कि तरीका पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।